हेलो फ्रेंड्स, माइसेल डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी बर्निंग टॉपिक है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद एल्बो की स्टिफनेस कितने टाइम तक रह सकती है और कितने टाइम बाद हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो जिनको भी एल्बो का फ्रैक्चर हुआ है या ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई प्लास्टर लगाया या कोई भी सिकाई विकाई करी है, उसके बाद कुछ भी ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, स्टिफनेस का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो मैक्सिमम 3 से 6 महीने वो रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअली वो दिखना चाहिए टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी ने भी ज़बरदस्ती उसको फोर्स करके किया है तो स्टिफनेस परमानेंट रहेगी और वो ठीक नहीं होगी। किसी ने भी अगर उसकी मालिश वालिश करके उसका ट्रीटमेंट करके और फिर एक्सरसाइज हो रही है तो उससे उनकी स्टिफनेस परमानेंट रहेगी। तो जिनके भी ऑपरेशन होते हैं और जो एक्सपर्ट करते हैं, ज़्यादातर ऑपरेशन में जो फिक्सेशन होता है उस पे ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है, उसकी इंजरी कैसी है और वो फिक्सेशन कैसा हुआ है। अगर फिक्सेशन बहुत अच्छा हुआ है, इंजरी भी उसकी अच्छे से टैकल हुई है, अगर पॉसिबल है इस दुनिया में उसकी इंजरी को फिक्सेबल करना, तो हम उनको जल्द से जल्द मूवमेंट कराते हैं जिससे उनकी जो स्टिफनेस है 1.5 से 2 या मैक्सिमम 3 महीने तक रहे और उसके बाद जितना रिजल्ट आ जाता है उतना रहता है और मुश्किल होती है। और फिर अगर करना होता है दोबारा ऑपरेशन कर कर ही उसकी उस स्टिफनेस को या कोई टैकल प्रॉब्लम करनी है उसको करेक्ट करके उसको दोबारा फिजियोथेरेपी पर लिया जाता है। तो स्टिफनेस जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी इंजरी के ऊपर, उनकी ऑपरेशन के ऊपर, उनकी एक्सरसाइज के ऊपर, पेशेंट की जो पेन बेरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर, और कितने टाइम प्लास्टर लगाया, जो भी फर्दर मेडिसिन और कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, सूजन तो कम नहीं हो रही, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सिर्फ मेरा इस वीडियो में जो आपको आंसर देना हुआ देना है कि स्टिफनेस कितने टाइम तक ऑपरेशन के बाद रह सकती है, 3 से 6 महीने रह सकती है। यूजुअली हम जिनके भी ऑपरेशन करते हैं उनको जल्द से जल्द मूवमेंट कराते हैं, तो हमारे पेशेंट के जो होते हैं मैक्सिमम 3 महीने तक स्टिफनेस रहती है और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाती है तो हम दोबारा ऑपरेशन करके, अगर पेशेंट चाहता है तो हम उनका दोबारा करके और दोबारा फिर उसकी सेम प्रोटोकॉल एक्सरसाइज के बेस पर जैसे हम बताते हैं वो करते हैं। तो आप सबको जिनको भी इस टाइप की इंजरी हो, एक्सपर्ट से मिलके अपनी एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल अच्छे से समझकर, ऑपरेशन में जो भी प्रॉब्लम है ऑपरेशन से पहले समझकर और अपने जो पेन बेरिंग कैपेसिटी को है संभाल कर अपने आप को एक्सरसाइज के लिए खुद करना है, ना कि दूसरा करेगा। अगर आप खुद नहीं करोगे और दूसरा करेगा तो आपकी स्टिफनेस नहीं जाने वाली और इनफैक्ट बढ़ेगी और हड्डियाँ बन जाएंगी और उसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑपरेशन ही एक चांस है। तो आप अपनी एल्बो को संभाल के रखो, डिफ़िकल्ट पार्ट है यही, पूरे माउथ में हर जगह लेकर आता है और हैंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बॉडी का। नमस्कार सर।